हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा एक्टमी आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड एट्थ का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर फोर आपका मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल के अंदर एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर टेन तक कंप्लीट हो गया था ये वर्कबुक में चैप्टर फोर का जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम पेज नंबर फोर्टी का जो भी क्वेश्चन है यहाँ तक कम्प्लीट हो गया था अब हम पेज नंबर फोर्टी वन के ऊपर जो एक्टिविटीज़ है उसको सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे नव एक्टिविटी एक्टिविटी में भी आपके शायद सिक्स क्वेश्चन हैं उसको हमें सोल्व करना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने सोल्व किया हुआ है सबको यहाँ पर राइट किया हुआ है आपका परफेक्ट आंसर आप इस तरह से राइट करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर वन इज़ योर ऑन पेज नंबर फोर्टी वन टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ बीटिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल इसका एक्टिविटी हमें करना है तो देखिए क्या क्या आपको विच सब्सटेंसेस आर रिक्वायर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट गिवन सब्सटेंसेस आर आयरन नेल कोल पीस अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर पेंसिल लेड एपरेटस एंड मटेरियल्स मेरे राइट करोगे आयरन नेल कोल पीस एंड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर पेंसिल लेड ये आपको यहाँ से राइट कर देना है अपरेटस एंड मटेरियल्स के अंदर देन आप इस तरह से एक फिगर ड्रॉ करोगे हैमर्स विच इज़ हैमरिंग ऑन आयरन नेल ठीक है बीटिंग एन आर आयरन नेल विथ हैमर हम क्या कर रहे हैं हैमर से हथौड़े हाँ, से आयरन के नेल को बीट कर रहे हैं तो देखते हैं इसको यहाँ पे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ बीटिंग मेटल एंड नॉन मेटल जब हम मेटल और नॉन मेटल को बीट करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है वही हमें यहाँ पे चेक करना है सो so, प्रोसीजर आयरन नेल ऑन अ हार्ड सर्फेस गिव अ फ्यू ब्लोज विथ हैमर ऑन द आयरन नेल ट्राई टू हिट हार्ड देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन अदर ऑब्जेक्ट एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है पहले तो आपको मेटल के ऊपर इस तरह से रखना है और हैमर करना है और ऑब्जर्वेशन करना है देन आपको नॉन मेटल पर करना है ठीक है पेज नंबर फोर्टी वन के ऊपर क्वेश्चन नंबर वन का हमारा इतना कंप्लीट हुआ आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर पे. ठीक है नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं यहाँ पे आगे का तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट रखने हैं और सेम प्रोसीजर जैसा पीछे हमने किया वैसा करना है वेन यू हैमर ऑन आयरन नेल देन फ्लैटिन डज नॉट ब्रेक इन टू पीसेस क्या होगा जो आपका नर आयरन नेल है अगर आप उस पर आप हथौड़े से मारते हो हैमर से तो टुकड़ों में मतलब टूटेगा नहीं दैट मीन्स ब्रेक नहीं होगा आयरन नेल बिकॉज दैट वो क्या है आपका मेटल है मेटल हार्ड होते हैं जनरली कोल पीस पे अगर आप हैमर करते हो इस तरह से हैमर्स को जैसे आपने आयरन के ऊपर किया देन ब्रेक्स इन टू पीसेस में क्या होगा वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट या मटेरियल लिखना है यहाँ पे चेंज इन सेप फ्लैटन या ब्रेक होता है वो आपको बताना है ये फ्लैटिन रहा मतलब ब्रेक नहीं हुआ अब ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ये वाला नेक्स्ट है हमारा एलुमिनियम वायर एल्यूमिनियम वायर पर अगर आप वो हिट करोगे तो फ्लैटन रहेगा मतलब कोई ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है उसके ऊपर डज नॉट ब्रेक इंटू पीसेस ओके नेक्स्ट है आपका पेंसिल लेड पेंसिल लेड पर अगर आप करोगे तो ब्रेक्स इंटू पीसेस दैट मीन्स ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा टुकड़ों में ओके okay? सो so ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ अब कंक्लूजन देखते हैं क्या हुआ अगर हम मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मेटल या नॉन मेटल पर हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है कंक्लूजन इज योर मेटल्स आर मेलिएबल वेर नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल मेटल क्या हैं मेलिएबल होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या से हैं वो नॉन मेलिएबल हैं ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया नाउ लेट बी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड सेकंड क्वेश्चन इज योर टू चेक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करना है मेटल एंड नॉन मेटल का देन आपको कंक्लूजन बताना होगा क्या होता है ठीक है गिबन सब्सटेंसेस आयरन नेल सर्फर सॉरी सल्फर कोल पीस कॉपर वायर इलेक्ट्रिक टेस्टर सेल बल्ब कंडक्टिंग वायर रबर बैंड एक्सेट्रा सो अप्रेटस एंड मटेरियल्स में आप यहाँ से राइट कर दोगे जो भी दिया गया है आयरन नेल सल्फर पीस ऑफ कोल देन कॉपर वायर इलेक्ट्रिक टेस्टर सेल बल्ब वायर दिस ये सब चीज़ें सो so, इस तरह से आप एक फिगर बनाओगे फिगर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक मान लो सेल uh, है इसके अंदर हमने क्या किया रबर बैंड लगाया है इधर से जिससे हम वायर को यहाँ पे दोनों तरफ स्टिक कर सकें ये आपका आयरन नेल है जिसको हमने ज्वाइन किया वायर से और एक एंड को इधर से ज्वाइन कर दिया निगेटिव साइड से दूसरे आयरन नेल को हमने यहाँ वायर के साथ ज्वाइन करके बल्ब के साथ ज्वाइन किया और बल्ब में से एक वायर लगा के हमने बैटरी में लगा दिया है ये कैसे हैं कंडक्टिंग वायर है तुम्हारा कॉपर वायर हो सकते हैं ओके सो फिगर क्या है टू चेक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर हमने ये टेस्टर बनाया है बल्ब लगा के और ये सेल लगा के वायर के चलिए अब यहाँ पे देखते हैं प्रोसीजर फर्स्ट इज योन अरेंज द इलेक्ट्रिक टेस्टर एज सोन इन फिगर आपको इस तरह से पहले एक बना देना है टेस्टर की तरह कीप फ्री द टू एंड्स ऑफ वायर ये दोनों दो एंड है इनको हमें क्या करना है फ्री रखना है आयरन अभी नहीं लगाना है कीप एन आयरन नेल इन जंक्शन विथ टू एंड ऑफ द कंडक्टर वायर एंड कंप्लीट द सर्किट आपको क्या करना है पहले यहाँ पे एक आयरन नेल रख देना है और दोनों को ज्वाइन कर देना जैसा फिगर बना है फिर नोट वेदर द बल्ब गिफ्स लाइट और नॉट अब जब आप, आप यहाँ पर आयरन लगाते हो आयरन का नेल तो लाइट जलती है या नहीं है आपको ऑब्सर्व करना है ठीक है अभी आपने क्या किया आयरन नेल रखा लाइट जली देन आपको क्या करना है सिमिलरली पुट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद द टू एंड ऑफ द कंडक्टर एंड नोट डाउन वेदर द लाइट इज ऑन और नॉट आपको यहाँ पे आयरन नेल की जगह पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखना है जैसे पहले आपने आयरन नेल रखा तो फिर सल्फर रखी है फिर आपने को आपको कोल पीस रखना है फिर कॉपर वायर रखना है और चेक करना है बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता है यहीं से बाकी प्रोसेस आपका सब सेम रहेगा ऐसे ही रहेगा सिर्फ ये दो एंड पे आपको क्या करना है चेंजेस करने हैं चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे होगा तो यहाँ पर हम आ गए ए रहा आगे का क्या लिखना है जब आपने वो दो एंड पे आयरन नेल रखा तो क्या हुआ बल्ब लाइट्स बल्ब क्या हुआ जला देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या मटेरियल रखना है बाय बल्ब लाइट्स अप और बल्ब डज नॉट लाइट्स अप यहाँ पे आपको बताना है अगर लाइट्स अप होगा देन दैट मटेरियल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इफ दैट इज नॉट लाइट्स अप देन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो आयरन अगर नेल रखते हो देन बल्ब लाइट्स अप दैट्स वाई आयरन नेल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन सल्फर when you put sulfur then bulb does not lights up that's why the, it is a poor conductor and coal piece when you put coal piece instead of iron nail then bulb does not lights up that's why it also it is also a poor conductor of electricity now fourth when you put copper wire then bulb lights up because copper is a metal and when you put copper wire then bulb lights up and uh, that's why

देन uh, bulb does not lights up or does not glow that's why non metals are poor conductor of electricity so यहाँ पर हमारा question number टू complete हुआ अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड icon को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन पे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तीन क्वेश्चन एक इस पार्ट में करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर थ्री और क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा एक्टिविटी एक्टिविटी वाला मतलब ये चैप्टर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर नंबर फोर एक्टिविटी के साथ चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर क्या दिया गया है चेक द नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्टन बाई हीटिंग सल्फर आपको क्या करना है सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर चेक करना है उसको हीट करके ठीक है वो सल्फर बाय हीटिंग सल्फर को आपको हीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा जब वो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तो उसका नेचर क्या होता है मतलब एसिडिक होता है या बेसिक होता है वो आपको चेक करना है तो चलते हैं दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द लेबोरेटरी एज सल्फर डाईऑक्साइड गैस इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस देखो ये आपको घर पर नहीं ट्राई करना है बिकॉज वेन यू हीट सल्फर देन इट इट इज़ कन्वर्टेड इन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पॉइजनस दैट्स वाई आपको क्या करना है ट्राई नहीं करना है खुद से ठीक है समझो एंड मटेरियल्स, वाट रिक्वायर्ड? पाउडर ऑफ सल्फर डिफ्रेगरेटिंग डिफ्लेगरेटिंग स्पून लाइक दिस कैंडल गैस देन जार वाटर रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर आपको लेना है बिकॉज अगर आप मान लो रेड में चेंज हो रहा है ब्लू टू रेड हो रहा है तो एसिड हो तो होता है एंड ब्लू एंड रेड टू ब्लू होता है था, 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 तो बेज होता है तो उसको हमें चेक करने के लिए लिटमस पेपर रिक्वायरमेंट होगी चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्लेग्रेटिंग डिफ्लेग्रेटिंग है, स्पून है उसके बाद सल्फ़र आपको देखो इसे डिफ्लेगरेटिंग स्पून में रखा फिर इसको हीट किया और यहाँ पे देखोगे जब हीट करेंगे तो क्या होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिटमस पेपर से चेक करने वाले हैं ठीक है चलिए यहाँ पे प्रोसीजर्स टेक अस्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इना डिगरेटिंग डिफ्लेगरेटिंग स्पून देन हीट इट ऑन कैंडल फ्लेम एज सल्फर डाई सॉरी एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इन टू गैस जार जब आप यहाँ पे हीट करोगे और जब बर्न होने लगे इसको क्या कर दोगे इस तरह से मान लो एक जार में गैस के जार में आपको रख देना गैस जार में देन कबर द लीड एंड इंश्योर that द गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्केप फ्रॉम द एयर आपको क्या करना है इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है जिससे ऊपर से क्या हो ये लिड मतलब ढक्कन लगा देना है जिससे गैस बाहर ना जाए देन एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन जार एंड कबर द जार विध द लेड क्विकली तुरंत क्या करना है जब यहाँ से गैस निकल रही है तो यहाँ पे कवर हो रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दो और तुरंत ढक्कन वापस से लगा दो फिर क्या करोगे उसके बाद सेक द जार वेल एंड टेस्ट द सल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू पेपर जब इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे गैस जब निकल रही है तो उसमें आपने वाटर डाया तो क्या होगा गैस वाटर के साथ मिक्स होगी तुरंत आपको बंद कर देना है ठीक है बाद में वो सोल्यूसन लेना है इस तरह से और लिटमस पेपर से चेक करना है ब्लू लिटमस पेपर इस पर पे रखो और रेड लिटमस पेपर जिसके अंदर चेंजेस होता है देन आपको उसके ऊपर से ऑब्जर्वेशन रखता है अगर आपने रेड लिटमस पेपर रखा रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया मतलब ये क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड इट इज़ अ बेस अगर आपने ब्लू रखा ब्लू में से रेड हो जा रहा है तो दैट मीन सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है आपका एसिड है ठीक है तो वो चेक करना है आपका चलिए अभी कंक्लूजन पे देख लेते हैं क्या आए, आएगा हमारा कंक्लूजन तो देखो ऑब्जर्वेशन पहले तो क्या ऑब्जर्व किया हमने जब हमने दोनों लिटमस पेपर को रखा तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज टू रेड जो ब्लू लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया रेड में हो गया बट देर इज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं आया सो दैट वी कैन से दैट सल्फर डाई ऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड इन नेचर सो हम क्या बोल सकते हैं जो सल्फर डाई ऑक्साइड है वो कैसा होता है एसिडिक होता है नेचर में हम ठीक है तो जनरली क्या होते हैं जो यहाँ पे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेजिक इन नेचर सो so, यहाँ पे हमारा क्या होता है क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट होता है एक्टिविटीज़ का पेज नंबर फोर्टी फोर के ऊपर नेक्स्ट जब वीडियो में आएंगे तब हम क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे से फोर फाइव एंड सिक्स देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच